नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन में 2487 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महामारी के कुल मामलों की संख्या 4,31,21,599 हुई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 17,692 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 13 और मरीजों की जान गई है और देश में मृतकों की संख्या 5,24,214 पर पहुंच गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% दर्ज की गई है। मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इससे पहले विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए मणिक का नाम तय किया गया था। बता दें कि शनिवार देर शाम मणिक साहा ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। साहा ने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है और सरकार बनने का दावा पेश किया था। तिरुनेलवली के मन्निर पलम के मेदेरात खदान में काम कर रहे 6 मजदूर 300 फुट गहरे गड्ढे में फंस गए। हादसा रात करीब 12 बजे उस समय हुआ जब एक बड़ी चट्टान नीचे गिर गई। लॉरी चालक सेल्वा कुमार, राजेंद्रन, हिताची, ऑपरेटर सेल्वम मरुगन और विजय उसमें फंस गए थे। वो उस समय वहां काम कर रहे थे। इसके बाद दमकल कर्मियों की सूचना दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिवक्ता कमिश्नर सहित वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग और वकील ज्ञानवापी परिसर पहुंचे हैं। दूसरे दिन का सर्वे जारी करने के लिए टीम ज्ञानवापी परिसर में जाने के लिए विश्वनाथ धाम के अंदर पहुंच चुकी है। अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे की कार्रवाई चल रही है, जहां वादी और प्रतिवादी सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी रुकावट और कोई बाधा नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के निधन पर भारत की तरफ से संवेदना व्यक्त करते देखे गए। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबूधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के निधन पर भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करने के लिए 15 मई को UAE की यात्रा करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की तलाश में दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है। इस छापेमारी में वो घर पर नहीं मिले, इसके चलते पुलिस टीम को खाली हाथों वापस लौटना पड़ा। सदर बाजार थाने में रोहित के खिलाफ उनकी महिला मित्र ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार जयपुर की रहने वाली युवती ने सदर बाजार थाने को दी गई शिकायत में यह बताया कि फेसबुक के माध्यम से वो 2020 में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी से मिली थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 मई तक केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट, जबकि दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मुख्य सचिव वीपी जॉय ने जिलाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कोई भी आपात स्थिति होने की सूरत में लोगों को सूचित करने के लिए एक अलार्म प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 मई से जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स के एक सप्ताह के दौरे पर रहेंगे। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दो कैरिबियाई देशों की पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार ने संवाददाताओं से कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों के साथ भारत के उच्च स्तरीय जुड़ाव की निरंतरता को दर्शाती है और छोटे विकासशील द्वीपीय देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच खींची तलवार पर धारदार हो गई है और शनिवार को मुंबई में आयोजित शिवसेना की रैली में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हनुमान चालीसा विवाद के लिए भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कश्मीर में पंडित की हत्या पर सवाल करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व गदाधारी है, जबकि भाजपा का हिंदुत्व नकली है। जम्मू कश्मीर के तहसील कार्यालय में आतंकियों ने राहुल भट्ट को मार डाला, अब भाजपा वाले क्या करेंगे? क्या आप वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शनिवार को 11 सरकारी विभागों के 22,958 पदों के लिए नियुक्ति पत्र देने पहुंचे। इस दौरान कहा है कि मेरे ड्राइवर ने 20,000 रुपए की रिश्वत देकर नौकरी मिली थी। मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि कहीं उन्होंने मैंने यहां आते हुए अपने ड्राइवर से पूछा है कि उसने इस नौकरी के लिए कितनी घूस दी थी। इस पर ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने इस नौकरी के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी थी। धर्मनगरी अयोध्या से एक बार फिर सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हां, यहां राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इकबाल अंसारी के घर पहुंचे, उन्हें गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाह ही निकल रहा है। असम में लगातार बारिश के बाद दिमा हसाओ के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना के जवानों ने कल रात कछार जिले के बालिशरा और बरखोला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाया। इस दौरान बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने आईपीएल 2022 में अपनी रफ्तार से हर किसी को चौंका दिया है। लगातार 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे उमरान जल्द टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई दिग्गजों का मानना है कि जम्मू कश्मीर का ये पेसर अब जल्द ही पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मराठी अभिनेत्री केतकी चुतले को थाने पुलिस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ विवादित पोस्ट के बाद नवी मुंबई से हिरासत में ले लिया है। मराठी धारावाहिकों में अभिनय करने वाली चुतले ने अपने फेसबुक पेज पर एडवोकेट नितिन भावे द्वारा लिखित एक मराठी कविता पोस्ट की थी, जिसमें पवार के स्वास्थ्य के मुद्दों और उनके आचरण पर व्यक्तिगत हमले किए गए थे। कलवा पुलिस ने पहले दिन के चुतले के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में थाने अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है। 7 औद्योगिक देश के समूह ने भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले की निंदा की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ऑज़डेमिरो ने शनिवार को कहा है कि अगर हर देश में निर्यातक पर रोक लगाने लगेंगे तो और बाजार बंद कर देंगे तो इससे आपदा पर असर पड़ेगा। और गौरतलब है कि गेहूं के बढ़ते दाम और कम पैदावार की आशंका के चलते शनिवार को भारत ने सरकार की अनुमति के बिना गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी है। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को गिरफ्तार करने के लिए 15 अधिकारी वाली दिल्ली पुलिस की एक टीम आज सुबह जयपुर पहुंची है। आपको बता दें कि मंत्री के बेटे पर 23 वर्षीय महिला से बलात्कार का आरोप है। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मंत्री के बेटे ने पिछले साल 8 जनवरी से इस साल 17 अप्रैल के बीच कई मौकों पर उसके साथ ये किया है और उसे शादी करने का भी वादा किया था। राजधानी दिल्ली के मंडुका स्थित जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया था। इससे कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के सहयोग पर चर्चा करनी थी। इसके लिए बिजनेस ग्रोथ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश जियानी और उनके बेटे अमित को बुलाया गया था, जिसके बाद कैलाश जियानी और उनके बेटे दोनों की मौत हो गई है। कांग्रेस ने नवसंकल्प शिविर संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए आयोजित किया है और पर शिविर में नेतृत्व मुद्दा छाया रहा। इस दौरान कई नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अध्यक्ष बनाने की मांग की। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने रविवार सुबह 6 बजे से दिल्ली एनसीआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की। नई बढ़ोतरी के साथ ही सीएनजी की कीमत अब दिल्ली में 73.61 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा में 76.17 रुपये प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 81.94 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गत वित्त वर्ष में प्रति उपभोक्ता रसोई गैस के 4 सिलेंडर में कम खपत रही है। यानी कि इस योजना के तहत गरीब परिवार के लाभार्थी महिलाएं 1 साल में 4 से कम रसोई गैस सिलेंडर भरवा पा रही है। इनमें 1,07,00,000 लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरे साल में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है, जबकि करीब 90,00,000 महिलाएं साल भर में 1 सिलेंडर भी नहीं भरवा सकी है। महाराष्ट्र में भाजपा के शिवसेना के साथ रिश्तों में और कटुता बढ़ने की आसार है। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का हनुमान चालीसा मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति के बाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। राणा का इस तरह शिवसेना और खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर मुखर होना महज सहयोग नहीं है। भाजपा नेता उनके बचाव में भी आए हैं और कहीं ना कहीं राणा के जरिए शिवसेना को घेरते हुए भी दिखाई दिए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 673 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4 मरीजों की जान गई है। इस बीच दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना से एक दिन में 4 लोगों की मौत गई है। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 24,317 लोगों का टेस्ट करवाया गया है, जिनमें से 673 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 4.97 हो गई है। वहीं मृत्यु दर भी बढ़कर 1.38% हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफी संख्या में भारतीय लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें भारत से रुपया आता है जो अमेरिका में डॉलर के रूप में उन्हें मिलता है। छात्र और काफी पहले से यूएस में सेटल हो चुके भी हैं। वहां ऐसे लोग काफी हैं जिनका किसी न किसी जरिए ये पैसा भारत में अमेरिका जाता ही है। वहीं वैश्विक मार्केट में हर रोज डॉलर और रुपयों का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में हम आपको प्रतिदिन एक्सचेंज रेट के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, जिससे भारत से जो पैसा आया है उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने में आप परेशान ना हो। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने राज्य में चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपने पद से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि पार्टी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आलाकमान का फैसला उनके लिए सर्वोपरि है। जानकारी के मुताबिक आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में अपने सीएम का चेहरा साफ बीते दिन ही हो गया था। यहां पहली बार नहीं है जब भाजपा हाईकमान ने चुनाव से पहले अपने सीएम चेहरे को बदला हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि सरकार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने पर नियम जल्द ही जारी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले लोगों को पर्याप्त वजह बतानी होगी। चंद्रा ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने उन 5 राज्यों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में अहम भूमिका निभाई है जहां इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी ने प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने हत्या की थी, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
साल 2022 का पहला चंद्रग्रहण 15 और 16 मई को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार यह चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। आईएसटी के अनुसार ग्रहण 16 मई को सुबह 7:02 पर आईएसटी पर लगेगा और दोपहर 12:20 पर समाप्त होगा। शिक्षा में सुधारों की मुहिम आने वाले दिनों में कुछ और तेज हो सकती है। इसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन जैसे कई लटके मामलों में प्रगति भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री से मिले मार्गदर्शन के बाद शिक्षा मंत्रालय फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी सिफारिशों को तेजी से लागू करने में जुट गया है। इसको लेकर ही जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसमें एनईपी से जुड़ी करीब 200 सिफारिशों को इसी साल अमल में लाया जाएगा। गुजरात के एक सर्जन दंपति ने शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ ही एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हेमंत ललित चंद्र लेवा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुरभि बेन हेमंत लेवा ने एवरेस्ट फतह करने वाला पहला भारतीय चिकित्सक दंपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, एक अन्य पर्वतरोही ने बिना पूरक ऑक्सीजन के ही दुनिया की चौथी ऊंची चोटी की फतह करने में कामयाबी पाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सतीश कुमार, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार, आशुतोष कुमार, मनीष कुमार, लक कुमार, असीमा फिरदौस, प्राइमरी टीचर मंजीत पांडे, युवराज पटेल, गौतम कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में जारी कोविड-19 के माहौल के बीच क्या आपके आसपास लोग नियमों का पालन अभी भी कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।